आप देख रहे हैं रविवार। रविवार के इस हिस्से में हम आगे देखेंगे परवीन बाबी के सफर, जूनागढ़ से मुंबई तक के सफर की दास्तान। और अब एक मुस्कान, यानी कहानी उन लोगों और संस्थाओं की जो दूसरों की जिंदगी को रोशन करते हैं। आज चलते हैं कलकत्ता। ये बड़ा परिवार है लेकिन सुखी परिवार, विनायक लोहानी का परिवार, जिसके सदस्य हैं ये छोटे छोटे बच्चे। विनायक चाहते तो कुछ और कर सकते थे, आईआईटी और आईआईएम से पढ़ाई की है उन्होंने, लेकिन जीवन का मकसद ये परिवार जुटाना और उसकी देखभाल बनाया। वो चाहते हैं कि इन बच्चों को भरे पूरे परिवार का माहौल और मकसद भरी जिंदगी मिले। स्वामी विवेकानंद जो है मेरी प्रेरणा रहे, जीवन प्रेरणा रहे, उन्होंने भी कहा था कि जो है जीव सेवा ही शिव सेवा है। इन बच्चों में से कोई विनायक को प्लेटफॉर्म पर मिला तो कोई सड़कों पर भीख मांगता, तो किसी को जिंदगी से जूझने के लिए कचरे में छोड़ दिया गया था, लेकिन अब सबको परिवार मिल गया है। यहाँ कोई दीदी है तो कोई भैया तो कोई चाचा। जो अपॉर्चुनिटीज मिले जो किसी भी बच्चे को मिलनी चाहिए, रहन सहन और खाने पीने और संस्कार के अलावा एक अच्छी शिक्षा, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि बिना अपॉर्चुनिटीज दिए आप जो है किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को या व्यक्ति को आप जज नहीं कर सकते। विनायक को अफसोस है कि आज संवेदनाएं मर रही हैं जिनकी इन बच्चों को सख्त जरूरत है। विनायक किसी एजेंसी या कॉरपोरेट घराने से पैसा नहीं लेते, ना ही फंड जुटाने के लिए मार्केटिंग करते हैं। आईआईएम के पुराने छात्र, आईआईटी के दोस्त और परिवार के काम की सराहना करने वाले उन्हें खुद ही मदद करते रहते हैं। सिर्फ 3 बच्चों से अपने मिशन की शुरुआत करने वाले विनायक लोहानी के परिवार में आज 90 से ज्यादा बच्चे हैं, और विनायक मानते हैं कि अगर इनमें से 10 बच्चों को भी वो अच्छे संस्कार, अच्छे मूल्य दे पाए तो अपने मकसद को कामयाब समझेंगे। दक्षिण 24 परगना से कैमरामैन राहुल के साथ राजेश सिसोदिया, एनडीटीवी इंडिया के लिए। एक मुस्कान के लिए आप किसी का नाम सुझाना चाहें तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं, नंबर हमारा वही है 6388। किसी संस्था का नाम, किसी व्यक्ति विशेष का नाम जो काम कर रहा हो, कोशिश कर रहा हो कि दूसरों की जिंदगी में मुस्कुराहट आए। और अब हम शुरू करते हैं प्रवीण बॉबी पर हमारा विशेष।